झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। वाहनों की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। जिन भी गाड़ियों में या व्यक्ति के पास 50,000 नगद अथवा सोना चांदी मिल रहे हैं उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए धनबाद जिला में 11 इंटरस्टेट एवं 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्टों से गुजरने वाले हर वाहनों की जाँच की जा रही है। DC और SSP ने शुक्रवार को मैथन चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सुरक्षा कर्मियों को जिले में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सघन जांच करने तथा वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर और ओनर का नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही भारी मात्रा में नकदी, शराब, ज्वेलरी, नशीले पदार्थ सहित मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली अन्य सामग्रियां मिलने पर जब्त करने का निर्देश दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने छोटे वाहनों के साथ साथ बड़े वाहनों की भी औचक जांच करने को कहा है। जांच को पहुंची DC ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। कि इंटर स्टेट चेक पोस्ट यहाँ पे मैथन में बनता है, जिसमें हमारी जो टीम है जिसमें मजिस्ट्रेट हैं, फोर्स हैं और CRPF की भी जो हम लोग को कंपनी मिली है वो लगाई गई है, जिसमें सभी गाड़ियों का सघन जाँच कर रहे हैं, जिसमें कैश, लिकर, ज्वेलरी, ऐसा कोई भी जो आइटम है अगर वो मिल रहा है तो 50,000 से अधिक वर्थ का है तो वो हम लोग सीज करके उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सारी गाड़ियां जो हमें संदेहास्पद लगती है वो निश्चित तौर से चेक होती है, बाकी रैंडम जांच करी जा रही है। हमारी टीम भी बदल बदल के हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, जिसमें एक्साइज, GST सभी के ऑफिसर्स रहेंगे और वो सब लोग यहाँ पे सघन